ये हमारे पास सैमसंग 8 टैबलेट 8 है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसका पासवर्ड हमें रिमूव करना है, ठीक है। इसका पासवर्ड रिमूव करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर केबल इंसर्ट करनी है, केबल इंसर्ट करेंगे। इसके बाद इसको जो हम पावर ऑफ करेंगे, नॉर्मल जो ये पावर ऑफ होता नहीं है, ठीक है। अभी उसके पावर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है तो पावर ऑफ करेंगे तो ये पावर ऑफ होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये पहले पल्ला के पैटर्न डालो, उसके बाद ऑफ होगा ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, तो अब हमने डाउन बटन और पावर बटन दबाना है साथ में, ठीक है। तो हम ये डाउन बटन और पावर बटन साथ में दबा के रखेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा टैब ऑफ होगा, हमने डाउन बटन छोड़ के अब बटन दबा लेना है, ठीक है। दबा के रखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप टैब आपका ऑन हो, उसके बाद आपने पावर बटन इसका रिलीज़ कर देना है और ये पावर वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है। तो रिकवरी मोड पे आ गया, रिकवरी मोड पे जो है उसको हम डाउन बटन से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और ये वाइप डेटा फैक्ट्री सेट करेंगे पावर बटन से, ठीक है। ये फैक्ट्री सेट करेंगे डाउन बटन से और पावर बटन से यस कर देंगे, ठीक है। जब भी आप ये वाइप डेटा का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सारा डेटा लॉस हो जाता है आपका, जो आपका मोबाइल के अंदर तस्वीरें वीडियोस वगैरह जो कुछ भी है सब चीज़ें वो डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से हम उसको रिबूट सिस्टम कर देंगे। तो अब ये ऑन हो रहा है, ठीक है। ऑन होने में ये 3 से 4 मिनट लेगा, तो हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। तो ये ऑन हो चुका है, ठीक है। ऑन होने में इतने 3 से 4 मिनट लिए, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, सेट ऑफ विजेट जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो FRP लगी हुई तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसकी वीडियो FRP की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।